Good morning students, welcome back in video lectures in standard 7th, lesson number 4th, exercises. So let's see, exercise number 4, page number 35, see the heading, write the opposite of the abstract nouns. So in last video, we have seen that the adjectives are given, the adjectives were given and we have put the abstract noun of these adjectives, and today these are given, you know, abstract nouns, and we have to put these abstract nouns opposite words. So let's begin. So first is ability. So what is the opposite of ability? Okay, so opposite's another name is antonyms, that you all know. So iska, you know, ability ka opposite kya hoga? Inability. Jaise you know, hum teachers log kya karte hain, jiska homework complete nahi hota, incomplete homework likhte hain. Theek hai, to complete kya hai? Abstract noun hai. To uska opposite word kya hoga? Incomplete. वैसे ही यहाँ पे IN लगा देंगे तो इसका ऑपोजिट बन जाएगा एबिलिटी, तो इनएबिलिटी. तो कुछ इन करके लगा के हो जाते हैं और कुछ अलग तरीके के होते हैं. सो लेट्स सी नाउ. सी नेसेसिटी तो सुपरफ्लुइटी, फेम तो डीफेम, और कुछ होते हैं डी ई लगा के हो जाते हैं डीफेम या तो डिसग्रेस. सिंप्लिसिटी, ठीक है, तो सिंप्लिसिटी का अपोजिट होगा आर्टफुलनेस, और डिसीट, डिसीट यहाँ तो आर्टफुलनेस होगा. नाउ सी अट्रैक्शन, रिपल्जन, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होना और डाउट होना इसका अपोजिट. जजमेंट, इग्नोरेंस, ठीक है. रिलायंस, रिलायंस अब तक जो आप समझते थे ना कि रिलायंस कंपनी का नेम है, ऑफ कोर्स कंपनी का नेम है, लेकिन वो किस वर्ड से बनाए, ठीक है. रिलायंस ये यानी विश्वास, मींस ऐसा ऐसी कंपनी जो विश्वास करने लायक है, ठीक है. तो उसी वर्ड से कंपनी का नाम भी पड़ा रिलायंस. तो रिलायंस का मतलब होता है विश्वास करना, ठीक है. तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? डिस्ट्रस्ट यानी अविश्वास करना. नाउ सी बिटरनेस तो स्वीटनेस, डेंजर तो सेफ्टी, हैबिट तो डिसहैबिचुएशन, टेरर, ठीक है, तो हैप्पीनेस. अभी टेरर यानी डर डर में रहना, और हैप्पीनेस इसका अपोजिट, ठीक है, मीन्स खुश खुश रहना, या तो डिस्यूटेड, डिस्यूट. नाउ सी मोरालिटी, तो इसमें भी आई एम करके हम अपोजिट बना देंगे इमोरालिटी, ठीक है. डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश हो जाना, तो रिपर्शन मीन्स अच्छे से इसका क्रिएशन होना. अभी हॉरर, ठीक है, डर लगना, तो डिलाइट मीन्स खुश होना. यूनिटी, डिसयूनिटी. नाउ सी सेंटर, सेंटर है, ठीक है, सो दिल्ली जो सेंटर बोलते हैं ना, तो सेंटर का ऑपोजिट सबर्ब और आउटस्कर्ट्स, ठीक है. सबर्ब यानी वैसे बोलते हैं ना, सो कभी कभी डिस्ट्रिक्ट को भी सबर्ब बोलते हैं, मीन्स इट्स पार्ट ऑफ अहमदाबाद, या तो कोई भी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है उसका सबर्ब, मीन्स एक टुकड़ा, ठीक है, नॉट सेंटर. तो सेंटर का ऑपोजिट क्या होगा? सबर्ब. नाउ सी ये सबब मोस्टली एड्रेस में यूज होता है, ठीक है. नाउ सी क्रिटिसिज्म तो यूलॉजी. प्लेजर तो पेन, प्लेजर यानी खुशी मीन्स आनंद, और उसका ऑपोजिट पेन मीन्स दुख, या तो यू नो परेशानी. प्योरिटी इम्प्योरिटी. इक्वालिटी इनइक्वालिटी. ग्रीफ तो जॉय. वैकेंसी तो फुलनेस. बोल्डनेस कावर्डाइज. तो व्हाट वी हैव टॉट दिस अपोजिट वर्ड्स, ओके, एंड ऑल्सो आई हैव रिटन, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एज वेल. नाउ सो नॉट ओनली दैट, यू कैन ऑल्सो, देर आर अलॉट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ
सेम वर्ड, ठीक है। यहाँ पे जैसे एबिलिटी है तो इनएबिलिटी है तो दूसरा कोई भी वर्ड भी आ सकता है, फिर नेसेसिटी है, फिर कॉन्फिडेंस है, डाउट है, ठीक है। फिर ऐसे बहुत सारे, ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे ग्रीफ है, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, तो यहाँ पे जॉय आया तो ग्लैड भी आ सकता है, ठीक है, हैप्पीनेस भी आ सकता है यहाँ पे। यू नो देर आर अलॉट एंटोनीम्स, देर आर अलॉट अपोजिट वर्ड्स, तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको ये तो लिखना ही है, लेकिन आप जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस यू कैन राइट एंड अनदर अलॉट सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऑल्सो, ठीक है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए दूसरे अपोजिट वर्ड्स भी बना मतलब लिख सकते हो, ठीक है। इसके बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि ये एक ही है, बहुत सारे आप डिक्शनरी खोलोगे, गूगल खोलोगे, आपको अलॉट एंटोनिम्स अलॉट अपोजिट वर्ड्स इसके मिलेंगे, ठीक है। ये तो लिखना ही है, बट जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस की फाइंडिंग दोज और दिस, ठीक है, कि फाइंडिंग दिस अपोजिट वर्ड्स एंड फ्रॉम डिक्शनरी, विदर इधर इट फ्रॉम डिक्शनरी और गूगल। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज। अंटिल देन, बाय बाय, स्टे सेफ।